हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इशू ऑफ शेयर का प्रोराटा का टॉपिक देख रहे हैं। उसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 61 जो ले रहे हैं, अ कंपनी इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर। इसका अपन डेटा सेट करते हैं। तो कंपनी ने इशू किए हैं 60,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 एट ए प्रीमियम ऑफ 4, 4 रुपए प्रीमियम पे शेयर इशू किए हैं। रुपए कैसे मांगे? 4 रुपीज एप्लीकेशन पर, 5 रुपीज अलॉटमेंट पर इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 4 रुपए का जो प्रीमियम है ये इसमें इंक्लूडेड है, 2.5 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2.5 ऑन फाइनल कॉल। इस तरह से कुल मिला के कंपनी ने 14 रुपीज मांगे हैं और इस 14 में से 4 रुपीज क्या है? प्रीमियम है। सही। आगे आपको कहता है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 75,000 इक्विटी शेयर। ये जो एप्लीकेशन आई हैं ये आई हैं, 75,000 एप्लीकेशन आई हैं आपके पास, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। सही है ना। द शेयर्स वर अलॉटेड प्रोराटा टू द एप्लीकेंट ऑफ 70। इनमें से 70 शेयर्स को आपने प्रोराटा शेयर दे दिए। प्रोराटा यानी इनको शेयर को रिजेक्ट नहीं किया। 70 को कितने शेयर दे दिए? 60 शेयर दे दिए। 70,000 को 60,000 शेयर दे दिए। ओके। एंड द रिमेनिंग एप्लीकेशंस बीइंग रिजेक्टेड, रिमेनिंग कितनी बची यहां? 5। बैलेंसिंग फिगर में कितनी बची? 5,000। इनको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया कि भाई हमारे पास शेयर नहीं है इतने, तो तुम 5,000 जो शेयर होल्डर हैं उनको, जो एप्लीकेंट है उनको तो पैसा वापस कर दे। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज यूटिलाइज टूअर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। कहता है एप्लीकेशन में जो मनी आई वो अलॉटमेंट में जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जानी है। ए टू होम 1200 शेयर वर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। ए जिसका 1200 शेयर थे वो अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दे पाया। ठीक है, तो अलॉटमेंट एंड कॉल, कॉल से मतलब यहाँ दोनों हो गए। तो ए के पास 1200 शेयर थे और उसने ये पैसे नहीं दिए। बी टू होम 1800 शेयर अलॉटेड फेल टू पे द टू कॉल्स। बी जिसके पास 1800 शेयर्स थे वो भी ये पैसे दोनों कॉल्स के नहीं दे पाया। दी शेयर वर सब्सिक्वेंटली फोरफिटेड, इन शेयर्स को क्या कर लिया? फोरफिट कर लिया, इसको भी और इसको भी। कब फोरफिट कर लिया गया? फाइनल कॉल के बाद। द शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली फोरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल वॉज मेड। ठीक है। ऑल द फोरफिटेड शेयर वर सोल्ड टू राजेश एज फुली पेड अप फॉर 11। अब इन शेयर्स को रीइशू किया गया। कितने शेयर? 1200 एंड 1800, दैट इज 3000। 3000 शेयर्स को रीइशू किया गया एट द रेट ऑफ 11, जबकि शेयर कितने का था? 10 का, यानी 1 रुपए क्या हो गया? प्रीमियम। सो दिस इज योर क्वेश्चन। क्वेश्चन को इस तरीके से समराइज कर लेना चाहिए, इससे क्वेश्चन करना आपके लिए कुछ आसान हो जाएगा। ओके, तो अब एंट्री चालू करें। तो सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन मनी आएगी। एप्लीकेशन मनी आने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये एप्लीकेशन मनी आ रही है आपके पास। कितनी एप्लीकेशन आई है? 75,000। और एक एप्लीकेशन में कितने रुपए हैं? 4, यानी 75,000 इंटू 4 दैट इज 3 लाख। यानी इस एंट्री में अमाउंट आपका आ जाएगा 3 लाख। सही है। सेकेंड एंट्री जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है, पैसा ट्रांसफर होगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो क्रेडिट हुआ उसको डेबिट करो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जो पैसा ज्यादा आ गया वो अलॉटमेंट में चल जाएगा। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और जो पैसा रिजेक्ट हो गया टू बैंक अकाउंट। सही है। तो शेयर एप्लीकेशन में ऊपर क्रेडिट कितने किए थे? 3 लाख। तो यहां डेबिट भी कितने होंगे? 3 लाख। शेयर कैपिटल में कौन सी मनी आती है? ओरिजिनल। ओरिजिनल यानी कितने ओरिजिनली शेयर थे? 60,000 शेयर थे और 4 रुपए के हिसाब से थे, ये ओरिजिनल मनी है। तो 60,000 इंटू 4 दैट इज 2,40,000। टू बैंक में कौन सी मनी आती है? ये आती है रिजेक्टेड। रिजेक्टेड जिनको मना कर दिया, ये वाले इन 5,000 शेयर्स को इनके 4 रुपए लौटा दिए।
एंड 5000 शेयर्स पर 4 रुपये यानी 20,000 रुपीज़ लौटा दिए। अब वैसे तो बैलेंसिंग वेयर में आ रहा है 240 और 2260 या 40,000 आएगा, बाकी अगर आप निकालना चाहें तो 70,000 को आपने 60 तो शेयर दिए, यानी अभी भी 10,000 अप्रिशन तो ज़्यादा हैं। इनके जो ज़्यादा अमाउंट है वो आगे अलॉटमेंट में जाएगा, 10,000 शेयर्स के ये 4 रुपये आगे चल जाएंगे, 10,000 जो ज़्यादा एप्लीकेशन आई थी उनके 4 रुपये यानी 40,000 रुपीज़ आपका कहाँ चल जाएगा, अलॉटमेंट में चल जाएगा। अच्छा, ये अमाउंट आप बैलेंसिंग वेयर में भी निकाल सकते हो और इस तरह से कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हो। सही, बैलेंसिंग वेयर में कैसे, 3 लाख माइनस 240 माइनस 20 दैट इज 40, और या फिर ये 10,000 एप्रिशन ज़्यादा थी, 70 को 60 ही तो शेयर दिए थे, 10,000 एप्रिशन ज़्यादा थी, उन 10,000 के ये 4 रुपये एंड 10,000 × 4। अच्छा, इस सेकंड एंट्री में आप देखो सब 4 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अब कई जने कन्फ्यूज होते हैं, सर अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट तो 5 का है ना, ये जो एंट्री है ये सारी की सारी एप्लीकेशन मनी से ही हो रही है, क्योंकि पहली दो एंट्रीज एप्लीकेशन की ही होती हैं। सही है, आगे चले तो अब नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री है, कितने शेयर हैं टोटल, टोटल है 60,000 शेयर्स हैं ये आपके, आपने 60,000 शेयर्स पे पैसा मांगना है, 5 रुपये टोटल मांगने, उसमें से 4 रुपये प्रीमियम है। सही, तो टोटल आपके 60,000 शेयर्स हैं, उनसे टोटल 5 रुपये मांगने, उसमें से 4 रुपये प्रीमियम है, तो 1 रुपये क्या है, कैपिटल। दैट्स वाई 60,000 × 1 दैट इज 60,000, 60,000 × 4 दैट इज 2,40,000 एंड 60,000 × 5 दैट इज 3 लाख। तो इस तरीके से अलॉटमेंट ड्यू की आपकी एंट्री होगी। अलॉटमेंट ड्यू के बाद क्या होगा, अलॉटमेंट रिसीव होगा, रिसीव करने की एंट्री जो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट को यहाँ डेबिट किया था एंट्री नंबर 3 में, तो अब अमाउंट रिसीव हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे, लेकिन इसका अमाउंट प्रोराटा बेसिस पर है, दैट्स वाई इसमें कैलकुलेशन जो हैं वो आपकी ज़्यादा होंगी, वो हमें समझनी पड़ेंगी। देखो, हमें तो ये पता है कि जिन लोगों ने 70,000 एप्लीकेशन दी थी, वैसे तो 75 थी बट 5 को तो मना ही कर दिया, तो उनका तो मैटर ही खत्म हो गया। हाँ, 70 थी, उनको 60 शेयर दिए, बस हमको यही देखना है, 70 को 60 शेयर दिए थे। वर्किंग नोट नंबर 1, वैसे लास्ट में बनाना है पर समझाने के लिए मैं यही बता रहा हूँ, 70,000 एप्लीकेशन को आपने 60,000 शेयर दिए थे, यानी रेशियो था 7:6, 40 से 40 कट गए, रेशियो था 7:6 और ए के 1200 शेयर्स ने अलॉटमेंट नहीं दिया, ए के पास 1200 शेयर्स थे, उसने ये अलॉटमेंट नहीं दिया, बी की बात नहीं कर रहा, बी का तो कॉल पर आएगा, ए का अलॉटमेंट पर आ रहा है, ए ने 1200 शेयर्स पर अलॉटमेंट नहीं दिया, तो एप्लीकेशन इतनी आई थी और शेयर जो अलॉट किए वो इतने किए हैं, और ए के पास 1200 शेयर हैं, तो बताओ उसने एप्लीकेशन कितनी दी होंगी। तो आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो, ये 1200 तो 6 के लिए है, तो 7 के लिए कितना होगा। सही है, ये 1200 जो है वो तो 6 के लिए है, तो 7 के लिए कितना होगा, 1400। इसका मतलब एप्लीकेशन आई होंगी 1400, भाई 7:6 है, इसको भी ध्यान से देखिए 7:6 ही है, तो इसका मतलब इन्होंने 200 एप्लीकेशंस ज़्यादा दी होंगी, भाई 1200 शेयर मिले, इन्होंने 1400 एप्लीकेशन दी थी, इसका मतलब इन्होंने 200 एप्लीकेशन ज़्यादा दी है, और एक एप्लीकेशन पे कितने रुपए हैं, 4 रुपये, देखो एक एप्लीकेशन पे कितने रुपए हैं, 4 रुपये, तो फिर 200 एप्लीकेशन पे कितने रुपए हो जाएंगे, 800 रुपये। ये एक्सेस एप्लीकेशन है और ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। सही है, ये आपका वर्किंग नोट नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। सही है, अब वर्किंग नोट नंबर 2, मैं देखना चाहता हूं अलॉटमेंट, अलॉटमेंट को मैं देखूं
तो मैंने ए से 1200 शेयर्स पर अलॉटमेंट पे ₹5 मांगे, इंक्लूडिंग प्रीमियम मैंने ₹5 मांगे, ठीक है, कितने मांगे, 1200 शेयर्स पर ₹5 मांगे, कितने, 6000, ठीक है। तो वो कहेगा भाई 6000 में से मैं ये जो मैंने एप्लीकेशन ज़्यादा दी थी, रुपए ज़्यादा दिए थे, उसमें से 800 तो मैं पहले ही ज़्यादा दे चुका हूँ और वो अलॉटमेंट में जाके जमा हो गए, तो अब मैं हिसाब से 5200 ही दूंगा। तो इस तरीके से अलॉटमेंट पे कंपनी का नुकसान 6000 का नहीं हुआ, 5200 का हुआ, क्योंकि 800 तो पहले ही आ चुके थे। इस तरह से जो लॉस हुआ ना वो 5200 का हुआ, ये बात समझने की है। मांगे 6000, 800 पहले से आ चुके हैं तो 5200 आने चाहिए, जो कि नहीं आए तो नुकसान 5200 का हुआ। और लास्ट वर्किंग नोट नंबर 3, अलॉटमेंट पे हमने, ये है टोटल अलॉटमेंट के लिए, है ना जी, किसके लिए है, टोटल अलॉटमेंट के लिए। अलॉटमेंट में टोटल हमने कितने मांगे थे, 3 लाख हमने टोटल मांगे थे, 3 लाख। उसमें से एंट्री नंबर 2 में अलॉटमेंट में ऑलरेडी आ चुके थे, ये देखो एंट्री नंबर 2 अलॉटमेंट में ऑलरेडी आ चुके थे 40000, तो 40000 तो पहले ही आ गए 3 लाख में से, तब कितने और आने चाहिए, 2,60,000, और 260 में से ये अलॉटमेंट के ये वाले 5200 नहीं आए, तो 260 में से 5200 नहीं आए तो आए कितने, 2,54,800। तो कंपनी को अलॉटमेंट पे वैसे नुकसान 6000 का होना चाहिए था, बट 800 आ चुके हैं तो 5200 का ही नुकसान हुआ, इसलिए मैंने यहाँ 5200 ही अलॉटमेंट में से लेस किए हैं। वैसे अलॉटमेंट पे 3 लाख मांगे, बट 3 लाख में से 40 आ चुके हैं तो अब कितने आएंगे, 260 में से ये वाले 52 नहीं आए तो आए कितने, 254,800, इसीलिए फोर्थ एंट्री का अमाउंट आएगा 254,800। ये सबसे टफ कैलकुलेशन होती है, जिसमें कि इस तरह से वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2 और वर्किंग नोट नंबर 3 बनते हैं, सही है। तो ये कैलकुलेशन प्रैक्टिस से ही आएगी, आपको ये कैलकुलेशन बार बार करनी पड़ेगी, बोल बोल के करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको ये स्टेप्स याद होंगे। और ये वर्किंग नोट एग्जाम में देना कंपलसरी है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। अब अलॉटमेंट के बाद आ रहा है फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे 2.5 मांगने हैं, 60000 शेयर्स पे 2.5 अपन मांगते हैं फर्स्ट कॉल के एंट्री नंबर 5 में। फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर हैं, 60000 शेयर्स, और एक शेयर पे कितने रुपए मांग रहे हैं, 2.5, ये टोटल होता है 1,50,000। तो इसलिए फर्स्ट कॉल पे रुपए मांगे 1,50,000, ठीक है जी, फर्स्ट कॉल डी हो गई। अब फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे, रिसीव करेंगे एंट्री नंबर 6, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल पे रुपए मिलेंगे अब आपको, लेकिन हम जानते हैं कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए, कौन कौन है देखें जरा। फर्स्ट कॉल पे ए ने 1200 शेयर्स पे पैसे नहीं दिए और बी ने 1800 शेयर्स पर भी फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो 1200 एंड 1800, 3000 शेयर्स पर 2.5 की मनी रिसीव नहीं होगी, 3000 शेयर इंटू 2.5 आपको रिसीव नहीं हुआ, तो फिर कितना रिसीव हुआ वो हमें देखना पड़ेगा। 3000 शेयर्स पर 2.5 रिसीव नहीं हुआ तो ये हो गया 7500 रिसीव नहीं हुआ, सही है। मांगा कितना था, 150 में से 7500 रिसीव नहीं हुआ तो फिर रिसीव कितना हुआ, रिसीव हुआ 142,500, तो इसलिए यहाँ अमाउंट लिखा जाएगा 142,500, सही है। ये हो गई एंट्री नंबर 6। नाउ एंट्री नंबर 7, फाइनल कॉल मांगते हैं, एंट्री शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फाइनल कॉल पे कितने रुपए मांगने हैं देखें, 60000 शेयर्स हैं, उन पे फाइनल कॉल पे 2.5, तो वही 60000 इंटू 2.5, 60000 शेयर्स पर 2.5 मांगने,
वही 1,50,000 जो फर्स्ट कॉल में आया था, ये रहा 60,000 इंटू 2.5, तो 1,50,000 रुपीज़ आपने इस पे भी मांगे, ये लो फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल पे मांग लिए। अब फाइनल कॉल मांग लिए तो फाइनल कॉल पे रिसीव की एंट्री करनी है। रिसीव की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए ने लोगों ने पैसा नहीं दिया? वही ए ने 1200 शेयर्स पे पैसे नहीं दिए, बी ने 1800 शेयर पे, यानी 3000 शेयर्स पे 2.5 नहीं आए। वही सेम कैलकुलेशन है, 3000 शेयर पे 2.5 नहीं आए, तो 7500 रुपीज आपके पास नहीं आए, है ना। तो आपने मांगे कितने थे? मांगे थे आपने 1,50,000, उसमें से सेम यही 7500 रुपीज नहीं आए, तो फिर आए कितने? 142,500, सेम अमाउंट आ गया, ये लो जी। नाउ फाइनल कॉल तक के तो हो गए सबके, दो दो स्टेप हो गए, 8 एंट्री हो गई। नाउ फाइनल कॉल के बाद है फोर फीचर। इन दोनों शेयर्स को मैं एक साथ ही फोर फीचर कर रहा हूँ क्योंकि सारे के सारे रीइशू हो रहे हैं, सही है, सारे के सारे रीइशू हो रहे हैं, तो आप एक साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंट्री नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दिया तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल नहीं दी तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और फाइनल कॉल नहीं दी तो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और जो दे दिया टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। काफी बड़ी एंट्री है, कितने शेयर को फोरफीट करना है? 1800 एंड 1200, 3000 शेयर्स को फोरफीट करना है ना, 1800 एंड 1200 ए और बी दोनों के शेयर है। यहां शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है, फोरफीचर कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल वैसे हमेशा क्रेडिट होती है, फोरफीट करते हो डेबिट हो जाएगी। 3000 शेयर है, यहां आती है कॉल्ड अप मनी, यानी जितने रुपए मांग लिए, तो हमने तो सारे ही मांग लिए, हमने तो डबल लाइन के ऊपर 14 रुपए मांग लिए, बट 14 में से 4 तो प्रीमियम है ना, तो वो तो अपन यहां लिखेंगे। कैपिटल के 14 में से 4 प्रीमियम चले गए तो बचे 10, तो 3000 इंटू 10 30,000 रुपीज अपन ने कैपिटल में डेबिट कर दिए। अब प्रीमियम को डेबिट उस अमाउंट से करना है जितने लोगों ने प्रीमियम नहीं दिया, तो ध्यान देना बी ने प्रीमियम दे दिया क्योंकि उसने अलॉटमेंट दे दिया, पर ए ने अलॉटमेंट नहीं दिया यानी प्रीमियम भी नहीं दिया, तो ए के 1200 शेयर्स ने 4 रुपए का प्रीमियम नहीं दिया, ए के 1200 शेयर्स ने नहीं दिया ये सिर्फ, है ना। तो 1200 इंटू 4 4800 रुपीज अलॉटमेंट प्रीमियम में डेबिट किए जितने लोगों ने प्रीमियम नहीं दिया। अलॉटमेंट में कितने रुपए नहीं आए वो अपन ने वर्किंग नोट में निकाले थे ये फोर्थ एंट्री के लिए, कि अलॉटमेंट में नुकसान 5200 का हुआ, इसीलिए आपने 5200 यहां माइनस किए। तो अलॉटमेंट में कितने रुपए नहीं आए? 5200 नहीं आए। फर्स्ट कॉल में कितने रुपए नहीं आए? आपने एंट्री नंबर 6 में माइनस किया था 7500, तो 7500 फर्स्ट कॉल पे नहीं आए। फाइनल कॉल पे कितने रुपए नहीं आए? आपने माइनस किया 7500, तो फाइनल कॉल पे 7500 नहीं आए। तो आपने 30,400 मांगे, उसमें से इतने नहीं आए, तो फिर आए कितने? बैलेंसिंग फिगर में निकाल लो 16,800, 14,600 रुपीज आपके नहीं आ चुके थे, उनको आपने फोरफिट कर लिया, जो नहीं आए वो आपने यहां लिख दिए, और जो आ गए उनको आपने शेयर फोरफीचर में लिख दिया, सही है। तो ये आपने फोरफीचर कर लिया, अब इनको अपने पास थोड़ा रखना है, इन्होंने लिखा है कि इन 3000 शेयर को आपने रीइशू कर दिया 11 रुपए में, तब मैं इनको रीइशू करता हूं। ये है एंट्री नंबर 10, रीइशू कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्योंकि मैंने प्रीमियम पे इशू कर रहा हूं। 3000 शेयर है, 10 रुपी का एक है, 1 रुपए प्रीमियम पे,
हमने 11 में रीशू कर दिया, तो 3000 इंटू 10 दैट इज 30,000, 3000 इंटू 1 दैट इज 3000 एंड दैट इज 33,000, ये हमने प्रीमियम पे से इशू कर दिया, रीशू कर दिया, ये रीशू की एंट्री है, प्रीमियम पे रीशू की है। नाउ अब शेयर फोरफीचर का बैलेंस ट्रांसफर किया जाएगा शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फोरफीचर में यहाँ अमाउंट था 14,600, उसमें से डेबिट कुछ हुआ नहीं है, दैट्स व्हाई 14,600 माइनस डेबिट कुछ हुआ नहीं है तो 14,600 ही बच रहा है, तो 14,600 आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। सही है, सारा ही अमाउंट ट्रांसफर हो गया, डेबिट कुछ हुआ ही नहीं था। सही है, तो आप प्रैक्टिस इस टाइप के क्वेश्चन की करिए तभी परफेक्शन आएगा। ओके, थैंक यू।